हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छे MIUI 11 थीम्स लेकर आ गया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो फ्रेंड्स, सभी थीम्स का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा थीम स्टोर पे और थीम का नाम सर्च करना होगा, या फिर अगर आपको MTZ फाइल डाउनलोड करना है तो आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले है फिनिक्स बाय राफेल हेनरिक और थीम की साइज है 5.9 MB। होम स्क्रीन कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर के साथ। क्लॉक विजन मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगा। आइकॉन्स क्वेरी शेप में देखने को मिल जाते हैं। नेविगेशन एनिमेशन भी यहाँ पर चेंज हुआ है। लॉक स्क्रीन पर आते हैं तो सेम वॉलपेपर और क्लॉक विजेट यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं, और साथ में एक कस्टम चार्जिंग एनिमेशन भी है। और लेफ्ट एज पर स्वाइप करके आप कुछ शॉर्टकट्स, क्विक टॉगल्स और म्यूजिक को एक्सेस कर पाओगे। नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है स्क्वेरिश टाइप टॉगल्स के साथ। फोन सेटिंग्स और कॉन्टैक्ट्स के अंदर प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। और फ्रेंड्स, ये थीम बोथ डार्क और लाइट मोड में वर्क करता है। सेकंड थीम का नाम है XUI Pro by Pankaj। साइज है इसकी 5.9 MB। नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये थीम किस UI पे बेस्ड है। होम स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। क्लॉक विजेट iOS क्लॉक फेस के स्टाइल में है। लॉक स्क्रीन पर भी सेम वॉलपेपर है, और क्लॉक विजेट के ऊपर अगर आप डबल टैप करते हो तो कलर चेंज होता है। नीचे से स्वाइप करने पर आप कुछ शॉर्टकट्स को एक्सेस कर पाओगे, और स्वाइप डाउन करने पर कंट्रोल पैनल ओपन होता है, और डबल टैप करने पर म्यूजिक। चार्जर कनेक्ट करने पर चार्जिंग इंडिकेटर भी यहां पर iOS के स्टाइल में देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आता है। और फ्रेंड्स, नेविगेशन जेस्चर का एनिमेशन स्टाइल भी यहाँ पर चेंज हुआ है इस थीम के अंदर। फोन और कॉन्टैक्ट्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आते हैं, एक ग्रीन टच के साथ। और फ्रेंड्स, ये सेकंड थीम भी डार्क मोड में वर्क करता है, तो आपको थीम का ओन वर्जन ऑफ डार्क मोड देखने को मिलेगा। लास्ट में एक कलरफुल थीम लाइक नो। थीम की साइज है 6.1 MB। होम स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर एक कलरफुल वॉलपेपर देखने को मिल जाता है स्क्वेरिश आइकॉन्स के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हो विजेट किस टाइप का देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन पैनल को पुल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक डार्क मोड के साथ आता है। क्विक टॉगल्स में एक ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। फोन के अंदर भी सेम बैकग्राउंड है, और डायल पैड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स और सेटिंग के अंदर भी सेम बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, जेस्चर एनिमेशन में भी आप एक ग्रेडियंट इफेक्ट देख पाओगे। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर भी सेम वॉलपेपर है, और विजेट के अंदर सेकंड काउंट भी आप देख पाओगे, और इस थीम के अंदर एक कस्टम चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते की top 3 MIUI थीम्स। अगर आपको और भी MIUI 11 थीम्स के ऊपर वीडियोज देखना है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।